हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग 11th एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। मैं आपको आपके साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे और क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि इसके मेरिट लिस्ट कब आएंगे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा कैप राउंड का, और जो कोटा राउंड है उसमें जीरो राउंड और रेगुलर राउंड वन का मेरिट लिस्ट कब आएगा। दूसरा हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि कौन से राउंड में मेरिट लिस्ट में कटअप ज्यादा होता है और कौन से राउंड में कटअप कम होता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि स्पेशल राउंड क्या होता है और इसके बेनिफिट और इसके लॉस क्या है। और यदि किसी भी कॉलेज का कटअप आपको देखना है तो उसके लिए क्या तरीका है, कैसे आप उसके कटअप देख सकते हो, कहां से देख सकते हो, तो ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके साथ में मैं आपको एकदम डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं, जिससे आप लोग को आगे चल के कुछ प्रॉब्लम ना हो। और कुछ स्टूडेंट जो फॉर्म अभी तक नहीं भर पाए तो उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा, या आपको किसी भी राउंड में अलॉट नहीं हुआ तो उसके लिए क्या आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करें। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, FYJC के जो स्टूडेंट है 11th स्टैंडर्ड के, इनके क्लासेस स्टार्ट हो गए स्टूडेंट ऑलरेडी। यदि आप लेक्चर अटेंड करना चाहते हो तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस है। इनकेस किसी भी स्टूडेंट को होम ट्यूशन चाहिए तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग फ्री डेमो लेक्चर ज्वाइन करके देख सकते हो। आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग यहाँ पर मिलेगा, जो भी टीचर हो एक्सपर्ट आपको टीच करने वाले हैं और आपको एकदम रीजनेबल फीस में मिलेगा। तो आप लोग एक बार डेमो लेक्चर जरूर अटेंड करिए, जो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अभी हम लोग आते हैं टॉपिक पे स्टूडेंट, और उससे पहले स्टूडेंट आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं स्टूडेंट, मेरिट लिस्ट आने के बाद, कॉलेज अलॉट होने के बाद आप लोग को जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, नहीं तो उसमें क्या प्रॉब्लम में फंसोगे। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम की बात कर लेता हूं, फिर हम लोग उसके सलूशन देखेंगे। यदि स्टूडेंट आपको मेरिट लिस्ट अलॉट हुआ और आपने जल्दबाजी में क्या कर दिया, वहां पे आएगा कि कंफर्म करने के लिए, ठीक है, कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हो गया और उस पर आपने जाके क्लिक कर दिया और कंफर्म कर दिया, फिर आपको याद आता नहीं नहीं सर मुझे इस कॉलेज में नहीं लेना था, फिर आपका स्टूडेंट एडमिशन कैंसिल करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जब भी मेरिट लिस्ट आएगा स्टूडेंट थोड़ा वेट करना, आपको भरपूर टाइम रहेगा। मैं किसी एक स्टूडेंट का लेकर उसके फॉर्म को पूरा फिलअप करके बताऊंगा क्या करना क्या नहीं करना है। यदि आपको एडमिशन लेना तो उसके लिए क्या करना, नहीं लेना तो भी क्या करना है, तो आप लोग को जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है स्टूडेंट। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो कि जब मैं वो वीडियो डालू तो आपको उसको वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए, तो आप लोग थोड़ा वेट जरूर कर लेना। ये सब चीजें मैं पहले से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम का मैं बताता हूँ कि लास्ट टाइम यही प्रॉब्लम हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट ने उनको पता नहीं था, ठीक है, उनको कॉलेज अलॉट हो गया लेकिन चाहिए था कोई और कॉलेज, फिर भी उन्होंने ओपन किया चेक करने के लिए और वहां पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया और उसके बाद उनको नेक्स्ट राउंड के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो ऐसी गलती आप मत करना है स्टूडेंट। अभी मेरिट लिस्ट क्या है आपको वो भी पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि ठीक है, और इससे क्या होता है, मेरिट लिस्ट का मतलब पहले समझ लो स्टूडेंट। जिनको मेरिट लिस्ट आप नाम सुने, यदि आपको पता नहीं तो उसका मतलब भी मैं आपको बता दूं। मेरिट लिस्ट ये होता है स्टूडेंट कि जो टॉप लेवल के कॉलेजेस होते हैं, जो बड़े कॉलेज होते हैं, जो बहुत नामी कॉलेजेस होते हैं, ऐसे में मेरिट लिस्ट का बहुत ज्यादा इशू होता है। मतलब क्या होता है यहाँ पर स्टूडेंट, यदि मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास यदि 100 सीट है, ठीक है, मान लो एक मैं एक कॉलेज हूँ, ठीक है, मेरा खुद का एक कॉलेज है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लेते हैं कि अतुल एजुकेशन एक कॉलेज है और यहाँ पर 100 सीट है, और 100 सीट में यदि मेरे पास 1000 यदि एप्लीकेशन फॉर्म आया, तभी हमारे पास क्या ऑप्शन है, मैं किसको एडमिशन दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, वो 1000 एप्लीकेशन में से 1000 एप्लीकेशन आया उसमें से मैं 100 एप्लीकेशन वो निकालूंगा जो सबसे बेस्ट रहेगा या जिनके मार्क्स सबसे अच्छे रहेंगे। तो मतलब यहां पर सिंपल सा समझ में आ गया आपको कि मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। मेरिट लिस्ट डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर कॉलेज में जिसमें आपने नाम डाला है उसमें कितने एप्लीकेशन आए और कितने परसेंटेज वालों का आया। फॉर एग्जाम्पल अभी देता हूं मैं,
चलो आप लोग को ज्यादा लंबा ज्यादा नंबर ले लिया तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन आएगा। अभी मैं इसको शॉर्ट में लेता हूं, मेरे पास सिर्फ 5 सीट है और मेरे पास कितने 100 एप्लीकेशन आए, और मेरे पास जो ना कैसे एप्लीकेशन आए हैं, जो बच्चों लोग ने अप्लाई किया है 99% वाला है, 99 के 3 स्टूडेंट है और इसके बाद 98 के 2 स्टूडेंट है, उसके बाद 97 के 95, ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया और मुझे कितना मेरे पास सीट कितना है, 5 है। और मुझे उस 5 लोग को 5 स्टूडेंट का मुझे क्या करना है, अपने कॉलेज में एडमिशन देना। मैं क्या करूंगा, कौन से स्टूडेंट का दूंगा, आप लोग खुद बताओ। मैं क्या करूंगा, जो 99 वाले 3 है और जो 98 वाले 2 है, ऐसे 5 स्टूडेंट को मैं क्या करूंगा, अपने कॉलेज में एडमिशन दे दूंगा। तो इसका मतलब मेरा मेरिट लिस्ट कितने पे बना, 98% पे बना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन आए हैं और कितने परसेंटेज वाले एप्लीकेशन आए हैं। तो इसका पुराने पिछली बार के मैरिट लिस्ट से कितना रिलेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पूरा यदि लास्ट ईयर में कम स्टूडेंट ने, लास्ट ईयर में यदि कम स्टूडेंट को अच्छे परसेंटेज आए रहेंगे तो लास्ट ईयर उनके मेरिट लिस्ट डाउन हुए रहेंगे। यदि इस बार कम, पिछली बार मान लेते बहुत 100 लोग को क्या हुआ था, 90% आ गया था, और इस बार सिर्फ कितने 80 लोग को 90% आया, तो सीधी सी बात है इस बार का मेरिट लिस्ट क्या होगा, डाउन होगा। उल्टा भी हो सकता है, पिछली बार सिर्फ 100 लोग को 90% आया था और इस बार क्या हो गया, 150 लोग को, 150 लोग को 90% आ गया, तो इस बार के मेरिट लिस्ट ऊपर जाने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया पूरा मेरिट लिस्ट का कॉन्सेप्ट। अभी मेरिट लिस्ट कब आएगा, एक क्या होता है मेरिट लिस्ट वो मैंने एक्सप्लेन किया, अभी नहीं बताया कि मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो अभी मेरिट लिस्ट कब आता वो भी मैं आपको बता देता हूं। और उसके लिए आपको एक प्लानिंग करके रखना पड़ेगा कि कौन से राउंड में आपको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन होना चाहिए। पहली बात इश्यू, हम लोग रेगुलर राउंड की बात कर लेते हैं कि जो कैप राउंड है, ठीक है, जो कैप राउंड है, जो रेगुलर राउंड वाले स्टूडेंट है, इनके जो मेरिट लिस्ट है वो 26 को आएगा, 26 जून को आएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो रहेगा वो 26 जून को आएगा। और जो यहाँ पर हमारे जो कोटा एडमिशन के स्टूडेंट, अभी ये कोटा सर बोलोगे कोटा एडमिशन मैं पहली बार सुन रहा हूँ, सर ये कोटा एडमिशन क्या होता है, तो जिन स्टूडेंट ने फॉर्म भरा उनको तो पता, जिनको जिन्होंने नहीं भरा उनको नहीं समझ में आएगा कि कोटा एडमिशन क्या होता है। कोटा एडमिशन क्या होता है, कॉलेजेस के पास कुछ सीट रिजर्व होती है और वो पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर रिलीजियस या पर्टिकुलर लैंग्वेज वालों के लिए क्या होती है, रिजर्व होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सीटें जो रहती है वो हिंदी माइनॉरिटी की रहती है, कुछ सीटें जो रहती है गुजराती माइनॉरिटी की है, इसको हम लोग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोलते हैं, ये लैंग्वेज के बेस पे रहती है। कुछ ऐसे जो कॉलेज रहते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी लैंग्वेज के जो माइनॉरिटी के कॉलेज रहेंगे वो हिंदी लैंग्वेज वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, जो गुजराती माइनॉरिटी के कॉलेज रहेंगे वो गुजराती लैंग्वेज वालों को ज्यादा देंगे। रिलीजियस वाले क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि माइनॉरिटी मतलब क्या होता है, जो कम्युनिटी कम है, रिलीजियस की बात कर रहा हूँ, रिलीजियस में फॉर एग्जाम्पल जैसे उर्दू माइनॉरिटी के भी कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, तो या हम लोग जैन माइनॉरिटी के कॉलेजेस होते हैं, तो उनको क्या होता है ना, हर एक कॉलेज को माइनॉरिटी वाइज कुछ कोटा सीट दिया रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज में 100 सीट है तो उसमें से 50 सीट उनको जिस माइनॉरिटी के कॉलेज रहेगा उसके लिए सीट रिजर्व कर दी जाएगी। अभी यहां पर होता क्या, आपको फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50-100 सीट था और 50 सीट मेरा हिंदी माइनॉरिटी के लिए मान लेते फॉर एग्जाम्पल, या गुजराती माइनॉरिटी के लिए 50 सीट मेरा क्या हो गया, रिजर्व है। तो मैं क्या करूंगा, यदि मेरे पास ना अभी कंपटीशन में फॉर एग्जांपल मान लो मेरा गुजराती माइनॉरिटी का मेरा कॉलेज है, तो अभी यहां पर मेरे पास जो एप्लीकेशन आएंगे सबसे पहले मैं उनके एप्लीकेशन लूंगा जो गुजराती माइनॉरिटी वाले रहेंगे या जो गुजराती लैंग्वेज वाले लोग रहेंगे या जो गुजरात वाले रहेंगे, ऐसे लोग का मेरे पास क्या लूंगा, मैं एप्लीकेशन लूंगा। तो ऐसे में मेरा कटअप नीचे आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि मेरे पास पहले सबसे पहले उन लोग को मैं प्रायोरिटी दूंगा जो गुजराती लैंग्वेज वाले रहेंगे, और जो दूसरे लैंग्वेज वाले रहेंगे उनको मैं अपने कॉलेज में एडमिशन ही नहीं दूंगा, अभी उनके फॉर्म ही मैं नहीं ले रहा हूं। तो अभी पहले मैंने क्या एग्जांपल लिया था कि 100 फॉर्म मेरे पास आया था, अभी मेरे पास 100 फॉर्म नहीं आएगा, अभी मेरे पास कितने फॉर्म आएंगे, 20 फॉर्म आएंगे।
पिछले बार एग्जाम्पल में मैंने दिया था कि मेरे पास 5 सीट था, तो मैंने 100 में से 5 सीट को दे दिया था। उसमें मैंने ये नहीं चेक किया था कि कौन है कौन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ, क्या चेक कर रहा हूँ, मैंने 20 फॉर्म आया तो 20 फॉर्म में से अभी मेरे पास जो 90% वाले थे ना, उसमें सिर्फ एक ही फॉर्म था, 98% वाला 2 फॉर्म था। अभी इसके बाद के 2 फॉर्म कब कहे 96% वाले हैं, तो इस बार का भी कटअप मेरा कितने पे आ जाएगा। जो माइनॉरिटी लोग, माइनॉरिटी कोटा के लोग हैं, माइनॉरिटी जैसे गुजराती माइनॉरिटी था, तो गुजराती माइनॉरिटी के लिए मेरा कटअप जो हो गया वो 96 हो गया, और जनरल के लिए मेरा नॉर्मल के लिए क्या हो गया 98 हो गया। तो इसमें ये क्या होता है, माइनॉरिटी कोटा के एडमिशन होते हैं, ठीक है। अभी आप माइनॉरिटी कोटा में भी एडमिशन लेते हो, माइनॉरिटी कोटा में एडमिशन आप लेते हो, तो ऐसे में क्या होता है, इसके एक 0 राउंड होता है, जो कॉलेज की वेबसाइट पे आपको 0 राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ आपको मिल जाएगा माइनॉरिटी कोटा के। यदि आप कोटा एडमिशन में फॉर्म भरे हो तो उसके जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 0 राउंड जो 18 तारीख को आने वाले है, उसके बाद जो राउंड 1 है वो इसका भी 26 को आने वाले है। अभी यहाँ पर यदि आपका लिस्ट आ गया, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, स्टूडेंट आपको जल्दबाजी नहीं करना, आप पहले डिसाइड कर लेना है कि वो पर्टिकुलर कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है या नहीं। यदि आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा वो पर्टिकुलर कॉलेज के पास चला जाएगा, जिस कॉलेज में आपको अलॉट हुआ रहेगा उनके भी सिस्टम में आपको दिखेगा, और आपके सिस्टम में ये दिखेगा कि आपको ये पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हो गया। और आपको ये भी दिखेगा कि मान लो आपने फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर के कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुए, और बाकी के उसके 6 नंबर का डायरेक्टली कॉलेज अलॉट हो गया, ऊपर के 5 कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुए। अभी ऊपर के 5 कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुए तो आपको रीजन में दिखेगा कि ये 5 कॉलेज क्यों नहीं अलॉट हुआ। फॉर एग्जाम्पल मेरा परसेंटेज था 90% था, ऊपर के जो 5 कॉलेज थे उनके जो कटअप रहेगा, किसी का 96 है, 94 है, 95 है, तो ऊपर के कॉलेज नए अलॉट होने का रीजन मुझे पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर रीजन से मुझे ये कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे प्रेफरेंस में ये कॉलेज तो था लेकिन उनके कटअप मेरे से मैच नहीं हो रहा था, लेकिन 5th वाले कॉलेज में मुझे इसलिए अलॉट हो गया क्योंकि मेरा कटअप और उससे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तभी मेरे पास 2 ऑप्शन है, 5th नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ तो मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेना है नहीं लेना वो मेरा डिसीजन होना चाहिए, मुझे ऊपर वाले ही कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक नहीं करूंगा। लेकिन यदि स्टूडेंट आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज अलॉट हो गया, आपको क्या हो गया, फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपको एनी हाउ वो एडमिशन लेना ही पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में वो एडमिशन लेना। सर बोलोगे मुझे नहीं लेना है सर तो मैं क्या कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं लेना है तो मत लो आप एडमिशन, लेकिन याद रखना है स्टूडेंट नहीं लोगे तो आपको जो सेकेंड राउंड होगा रेगुलर राउंड उसमें आपका नाम किसी भी कॉलेज में नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं, बिल्कुल आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन वो एडमिशन आपको बाद में मिलेगा, 3rd राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी आपके सामने एक नया वर्ड मैंने यूज किया, स्पेशल राउंड। अभी ये स्पेशल राउंड क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले ये डाउट आपका क्लियर कर दो कि सेकेंड राउंड में जो मेरिट लिस्ट है वो ऊपर जाती है नीचे जाती है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, फर्स्ट राउंड में क्या होता है, मान लेते फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में आपको 96% कटअप आया, तो सेकेंड राउंड में जो रहता है वो कॉलेज कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं स्टूडेंट, कॉलेज कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे में क्या होता है, सेकेंड राउंड में उसकी मेरिट लिस्ट थोड़ा बहुत तो कम होती ही होती है, लेकिन लास्ट वाला जो राउंड रहता है स्टूडेंट उसमें मेरिट लिस्ट वापस से बढ़ जाती है। जैसे 96 है तो हो सकता है लास्ट वाले राउंड में 97 भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बचे हुए लोग रहते हैं वो सब लोग लास्ट वाले राउंड में अपना क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि नहीं नहीं ये कॉलेज में मुझे नहीं मिला। शुरू के 2 कॉलेज में वो वेट करते रहते कि ठीक है इसमें नहीं आया चलो सेकेंड वाले में आ जाएगा, सेकेंड वाले में नहीं आता तो लास्ट में लोग क्या करते हैं, मुझे चाहिए तो चाहिए उस कॉलेज में, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा फॉर्म हर एक टॉप लेवल के कॉलेजेस में भरे जाने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मेरिट लिस्ट बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मतलब 3rd राउंड में मेरिट लिस्ट कटअप मार्क्स क्या होता है, ऊपर होता है। यदि स्टूडेंट आपको कटअप मार्क्स जानना है कि किसी भी कॉलेज का कटअप मार्क्स कितना था, राउंड 1 में क्या था, राउंड 2 में क्या था, राउंड 3 में क्या था,
तो जो 11th एडमिशन का जो वेबसाइट है वहां पर आप जाओगे तो साइड में जो डॉट रहता है ना 3, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको कट ऑफ मार्क्स पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर कॉलेज का इतना कट ऑफ मार्क्स था। आप उसको डाउनलोड करना एक्सेल में, उसके अंदर आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उस कॉलेज का आप कट ऑफ मार्क्स देख सकते हो। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के कट ऑफ मार्क्स आपको वहां पर मिल जाएंगे जहां से आप देख सकते हो। स्पेशल राउंड क्या होता है, स्पेशल राउंड में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेगुलर राउंड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें कोटा एडमिशन के ऑप्शन रहते हैं। कोटा एडमिशन की सीट जो रहती है कॉलेज के पास रिजर्व रहती है, वो चाहेगा जिसको कोटा के लिए अप्लाई करेगा उसको मिल जाएगा। अभी थर्ड वाले राउंड में क्या होता है ना, जो उनके पास सीट बची रहती है सब सीट उनको सरेंडर करना होता है, मतलब बची हुई सीट पूरा जो कैप राउंड रहता है उसके लिए दे दिया जाता है। तो सीट तो बढ़ जाती है, ठीक है, सीट बढ़ जाती है, बट यहाँ पर सबके साथ सेम ट्रीटमेंट किया जाता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। यहाँ पर फिर कोटा एडमिशन नहीं चलता, इसके बेनिफिट रहते हैं, सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं बची हुई सीट पे। और यदि किसी भी कॉलेज में कोटा के मान लो 50 सीट था और सिर्फ 20 सीट ही फुल हुआ तो 30 सीट जो रहेगी वो जनरल कैटेगरी के लिए अलॉट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सीटें बढ़ तो जाती है स्पेशल राउंड में, फिर स्पेशल राउंड में सीट बढ़ने की वजह से वापस से कट ऑफ मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये सब पूरा प्रोसेस था स्टूडेंट, आई होप आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल गया रहेगा। तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू सो मच।